आपके सबसे फेवरेट को होस्ट कौन रहे, कोई भी होस्ट कौन रहा है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए? मैंने तो होस्ट ही नहीं किया। अच्छा अच्छा जनरली जनरली कौन आपका फेवरेट होस्ट रहा है? आई थिंक अच्छा अभी मैंने बोल दिया तो मुझे पड़ेगी क्योंकि आई कैन से इट आफ्टर आई हैव होस्टेड। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप और शाहरुख अगर को होस्ट करते इस शो को तो रोमांस मस्ती कुछ ज्यादा हमें देखने आता, मजा आता ज्यादा देखने में? मैं किसी के साथ भी ये कर सकती हूँ, दैट्स माई जॉब। तो आपके प्रिफर्ड कोई को होस्ट? मैंने होस्टिंग ज्यादा की नहीं है पहले और आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी डूइंग दिस विद रणबीर दिस ईयर। ऑलराइट, आपने जैसे कि कहा कि आज थोड़ा लेट हो गया आने में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। नहीं नहीं मैं शूटिंग कर रही थी। आप शूटिंग कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे आप। तो इससे पहले लेट सबसे ज्यादा इवेंट्स में आते थे शाहरुख खान। और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? नहीं बिल्कुल नहीं, होने नहीं दूंगी, बस खाली इतना जानना चाहता हूं आपसे। मैं हंसती रहूंगी। तुम्हारी सारी पब्लिक को ले फेंके, पीछे मुड़ के देखा नहीं, बचपन से ही डिट है मेरे सारे असलियत और हकीकत पे गीत है तेरे मेरे भीतर अंतर अलग। आप खुद को खुशनसीब मानती हैं कि आप प्रियंका चोपड़ा हैं? अगर प्रियंका खान होती तो शायद आपके साथ भी कंट्रोवर्सी किसी तरीके से जुड़ी। नहीं नहीं, प्रियंका चोपड़ा होने के नाते भी मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सी होती है। आई डोंट थिंक आप, अगेन मैं जिस बात को कह रही थी, आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हमें इतना सेक्युलरिज्म सिखाया गया है, आप एक लास्ट नेम के ऊपर आप इतनी बड़ी बात बना रहे हैं, ये आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। और अभी आज शाहरुख ने एक बयान दिया था मुस्लिमों को लेकर कि भारत में 9/11 के बाद मुस्लिम सेफ फील नहीं करते, तो इसके लिए भारत से लेकर पाकिस्तान तक राजनीति हो रही है। आपने श्वेता को आर्टिकल पढ़ा है? जी हमने जो पढ़ा है उसमें। नहीं, आपने वो आर्टिकल पढ़ा है जिसके ऊपर ये मुद्दा बड़ा बना है? नहीं, आपने वो आर्टिकल पढ़ा है स्पेसिफिकली? जी पढ़ा है आप जी। उसमें ये लिखा है स्पेसिफिकली? मुझे लगता है आपको अपना होमवर्क पहले करना चाहिए। ऐसा उन्होंने ना तो कभी बोला है उस आर्टिकल में, और मैंने तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा था जब मैंने पढ़ा। Indian films, very frequently we see a scene that for some stupidity of a boy, a girl gives a slap. As a feminist, I haven't seen you ever complaining against the abuse of a man. Where is your equality? A man slaps a woman, it's a crime. I'm loving this question. Yeah. Bring it. And the other. When a man is Eve teasing a woman and she's walking by and he's like, Woohoo, kya lag rahi hai, kaisi chal rahi hai? A woman shouldn't go, chal be, psh. You're saying that's wrong. No debate about it. Equality is not about oh my God, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children, how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. Look, it's not like, this got funny, but... No, I didn't. I don't get disturbed, sir. It's not that easy. Don't worry. Congratulations for cracking into top 100 list again. Thank you. Globally, आप काफी अच्छा काम कर रही हैं. आपके काम को appreciate किया जा रहा है. साथ ही साथ दीपिका पादुकोण, she's also doing well in Hollywood. ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि आप दोनों के बीच एक ग्लोबल कंपटीशन है. पहले बॉलीवुड में था, अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी है. अरे आई थॉट आप लोग कहते थे कि हम दोस्त थे, अब कंपटीशन बन गए है ना? पहले तो ये लिखते थे ना सब लोग कि वी वर बीएफएफ्स. या तो ये कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला? आप कह रहे हैं कि बदला है तो उसी पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था. मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना कि कुछ नहीं बदला, जैसे थे हम वैसे ही हैं. आपका नजरिया बदला है जो आपको नहीं बदलना चाहिए. काफी सारे फिल्में मिल रही हैं. दीपिका की टीम इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू गेट एज गुड प्रोजेक्ट्स एज यू आर गेटिंग, सो योर कमेंट्स टू इट. Sorry, I didn't understand the question. जिस तरह की प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं हॉलीवुड में, वैसी दीपिका की टीम इज आल्सो ट्राइंग टू गेट यू द गेट दीपिका द सेम प्रोजेक्ट्स. वो सवाल आपको उससे पूछना चाहिए ना. हाउ डू यू लुक, मेरी टीम तो ट्राई नहीं कर रही है. नहीं ना, तो मेरे से सवाल किसी और के बारे में तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैं किसी और की जिंदगी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती.
दीप से बात कम सीधा पैसा रोक ला तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चोपला। आपके चाहने वाले हैं जो आपके ऊपर बायोपिक मूवी बनाना चाहते हैं, तो आपसे कुछ बातें हुई? हाँ, तो मैंने इसके बारे में सुना है, मैं आज ही लैंड, आज सुबह इनफैक्ट आई लैंडेड। जितना भी सुना है आप लोगों से ही सुना है, मेरी टीम से सुना है, सो आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ टू इट और नॉट, बट मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी हूँ कि मेरे ऊपर फिल्म बनाई जाए। अभी तक अभी काफी कुछ करना है। आई'ड वॉच इट एटलीस्ट व्हेन आई एम 40, देन दे कैन मेक अ फिल्म। 40 तक इतने अचीवमेंट्स हो जाएंगे और कंट्रोवर्सीज भी। बात किया तो ना मर गए, मैंने नहीं डाला भाव, मेरे भाव बढ़ गए, मेरा धोनी अलग, मेरे बाल बढ़ गए।